प्रिय छात्रों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड में भारतीय भूगोल में भारत की वनस्पति के बारे में बातचीत करेंगे। हमने पहले पिछले अध्याय में आपको भारत के भूगोल में मृदा के बारे में समझाया या जलवायु के बारे में बताया था। मृदा वनस्पति की बात करें तो वनस्पति के लिए भारत की जलवायु और भारत की मृदा भी महत्व रखती है। जलवायु के द्वारा जलवायु के तत्व पढ़ा आपने, जलवायु में मुख्यतः तापमान और वर्षा दो भौतिक तत्व मुख्य होते हैं जिनके द्वारा जलवायु प्रभावित होती है। और जलवायु प्रभावित होती है तो जलवायु के प्रभाव से वहाँ के प्रदेश उष्ण या आर्द्र या शुष्क या अति शुष्क या गर्म किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ के वनों का या वन वितरण में भी अंतर पाया जाता है। तो भारत की जो वनस्पति है वो अलग अलग, मतलब भारत की जो वनस्पति है के कई कई प्रकार है, जो लगभग 7 प्रकार मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। भारत में जो वन संपदा है उसकी बात करें तो इसमें भारत का जो वन संपदा 1951 में जो वन संपदा थी वो मात्र 14.24% भाग पर वन क्षेत्र थे, मतलब बहुत कम मात्रा में वन क्षेत्र थे। उसके बाद में फिर वनों का दोहन पर्याप्त मात्रा में किया गया। उसके बाद में 1970 में और वन संपदा घटी गई, 70 में वनों की संख्या फिर घटी गई, 70 के बाद में पुनः वनों के बारे में थोड़ी जागृति आई तो उस बारे में संबंध लोगों ने पर्याप्त वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य किया। जो बंजर भूमि है या पर्वत भूमि है या जो मरुस्थल भूमि है उन क्षेत्रों में वन रोपण करके वनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इसलिए वर्तमान में 2001 का आंकड़ा है या 2011 का आंकड़ा है उसमें 21.29% भाग पर वन क्षेत्र है। भारत में वन संपदा की बात करें तो इसमें इतना परसेंट वन क्षेत्र भारत में अभी वर्तमान में इतना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर वन संपदा है। जो भी इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो वर्षा के वितरण तापमान के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। भारत में अधिकतर जो वन संपदा है, जो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है उष्ण और आर्द्र भूभाग है वहाँ अधिक वन संपदा है। जहाँ पर तापमान ऊँचा होता है वर्षा की संभावना कम होती है, वर्षा कम होती है वहाँ वन क्षेत्र कम है। इस प्रकार भारत जो वन क्षेत्र है वो 7 प्रकार के हैं। उसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार हरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। ये वन क्षेत्र, इसकी वितरण या विशेषता, ये वन क्षेत्र उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ अधिक होती है वहाँ उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जो उष्ण और आर्द्र, मतलब अधिक तापमान अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ के जो वन संपदा है वो सदा हरे भरे रहते हैं। वहाँ वनों की लंबाई काफ़ी ऊंचाई अधिक होती है। इन वनों की ऊंचाई 30 मीटर से लेकर 60 मीटर के लगभग होती है। इन वनों में ताप प्राप्ति करने के लिए, जैसे भूमध्य रेखा के जो वन क्षेत्र है उनके समान ही वन ताप या सूर्य की किरणें प्राप्त करने के लिए होड़ लगी होती है, उसी प्रकार इनकी लंबाई भी 13 होती है। इसमें इन वन क्षेत्रों में मतलब सूर्य का प्रकाश धातु पर तक नहीं पहुँच पाता है। इसमें बहुत घनी संख्या में वन झाड़ियाँ या बेलें आदि पाए जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में वन संपदा घने सघन होती है, इसलिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश ज़्यादा तक नहीं पहुँच पाता है। इस इन वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के वन मिक्स में पाए जाते हैं। इसमें जो वन क्षेत्र है वह है रोजवुड है, सिनकोना है, बांस है, बेत है, रबर है, महोगनी है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 मीटर अधिक होती हो। इन वनों की ऊंचाई 30 मीटर से 60 मीटर के आसपास होती है। और इन वनों में जो वन क्षेत्र है वो सब रोजवुड है या सिनकोना है, बांस है, बेत है, रबर है आदि आदि, आयरन वुड है, ताड़ है, आयरन वुड है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन क्षेत्र भारत में मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात करें तो मुख्य उत्तरी पूर्व राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट,
स्टेट्स मतलब उत्तर पूर्व राज्य है ना, जो मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, जहाँ अधिक वर्षा होती है उस तापमान होता है नॉर्थ स्टेट। और एक आता दूसरा जो क्षेत्र है वो आता है आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र जहाँ अधिक वर्षा होती है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का तटीय भाग पूरी सर पश्चिमी भाग आता है। इसके अलावा तीसरा आता है इसमें अंडमान निकोबार द्वीपों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में ये वन क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। ये तीन जो क्षेत्र है इसके, एक तो उत्तरी पूर्व राज्य, दूसरा पश्चिमी घाट का पश्चिम ढाल प्रदेश जिसमें आपको बताया मैंने केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक का जो तटीय भाग है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, उन क्षेत्रों में अधिक वन पाए जाते हैं। जो पश्चिमी घाट का पश्चिम ढाल जो क्षेत्र है वहाँ अधिक वन संपदा सब उसी गड्ढे में सदाबहार हरित वन पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आपका बंगाली की खाड़ी में उन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद में इस इन वनों की जो विशेषताएँ ही ये थी। और इसमें जो सेकंड आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। ये वन क्षेत्र मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु होती है, लेकिन ग्रीष्म काल आते ही या ग्रीष्म काल से पहले ये पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। मतलब इन पेड़ जो मानसून वन होते हैं, मानसून काल वाले जो जहाँ एक समय ऐसा होता है कि वर्ष में अधिक वर्षा होती है, मानसून वहाँ की वो प्रदेश धरातलतर रहता है, मतलब इतनी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जितनी मतलब पूरे साल में जितनी वर्षा नहीं होती उतनी एक समय में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उन मानसून प्रदेशों में जो बस होते हैं वो मानसूनी वन कहलाते हैं। उन वन की विशेषता ये होती है कि ये ग्रीष्म काल से पहले यानी मार्च अप्रैल के बाद आसपास उस समय बसंत ऋतु में अपनी पत्तियाँ रहते हैं। इससे क्या होता है, क्या होता है कि वाष्पीकरण जो पेड़ पौधों की पत्तियों से जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वाष्पोषण क्रिया होती है, वो नियंत्रित हो जाती है। पेड़ पौधे निःसुख पाते हैं। इन पेड़ पौधों की जड़ें काफ़ी गहरी होती है, जड़ें मोटी होती है, छाल इसका मोटा होता है, इसलिए वाष्पोषण क्रिया कम होती है। इस कारण ये प्रदेश ज़्यादातर इन्हीं प्रदेशों के जो मैंने बताया आपका ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट इसके आगे और पश्चिमी घाट का पश्चिम ढाल जो प्रदेश का पूरी ढाल पश्चिमी इसका जो प्रदेश आता है वो आता है पश्चिमी घाट का पूर्व ढाल वाला प्रदेश। इसके अलावा फिर दूसरा है हिमालय घाटी, जिसमें आता है आपका उत्तराखंड आ गया, इधर आपका यूपी आ गया, बिहार आ गया, इसके अलावा वेस्ट बंगाल आ गया, आंध्रा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश आदि राज्य आते हैं। इस इन पेड़ों की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर से लेकर 45 मीटर के आसपास होती है। और इसके अलावा इसमें जो पेड़ पौधे वृक्ष पाए जाते हैं वो है आपके सागवान है, साल है, शीशम है, और चंदन है, शहतूत है, चंदन है आदि वृक्ष पाई में पाए जाते हैं। तीसरा आता है उष्ण शुष्क मानसूनी वन। इसमें वो वृक्ष आते हैं जिनकी ऊंचाई 6 से 9 मीटर होती है, 6 से 9 मीटर होती है। इन वनों में तीसरे में आता है जिनकी ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक ऊंचाई होती है। और ये वृक्ष अधिकतर ये बस अधिकतर पूरी राजस्थान, पूरी राजस्थान है या दक्षिणी पंजाब है, दक्षिणी हरियाणा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है आदि राज्यों में, और इसके अलावा गुजरात का उत्तरी राज्य प्रदेश है वहाँ ये क्षेत्र ये वन अधिक पाए जाते हैं। ये ऊंचाई कम होती है, इनमें कई कई वनों में कांटेदार झाड़ियाँ होती है। और इस इसमें मुख्य जो वृक्ष है वो है वो वृक्ष है पीपल, बरगद
बेत, और इसके अलावा है पलास है, तेंदू है, खेर है, पलास के वृक्ष आदि, तेंदू के तेंदू वाला वृक्ष है आदि वृक्ष आदि पाए जाते हैं इसमें। ये उसमें शुष्क मियाँ जहाँ पे मतलब इससे वर्षा कम होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बीच में वर्षा होती है। इसमें जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसमें जो वर्षा होती है वो 200 से अधिक होती है। अधिक इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, बेर है, पलास है, तेंदू के वृक्ष है, और कुछ बम्बूल है, ऐसे वृक्ष पाए जाते, पलास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इन वनों की लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है। ये अधिकतर उन भागों में उगाए जाते हैं जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट का वस्ती प्रदेश, ये कहता है पश्चिमी घाट का वस्ती प्रदेश, जहाँ वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में। चौथा आता है आपका इसके अलावा मरुस्थलीवन, चौथा है मरुस्थलीवन। ये वृक्ष जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर मरुस्थलीवन पाए जाते हैं, या डेजर्ट वन कहा जाता है, या अर्ध मरुस्थलीवन कहा जाता है। इन वनों की ऊंचाई 6 मीटर तक हो सकती है। इसमें अधिकतर वन वो होते हैं जिसमें बम्बूल है, केर है, नागफनी है, यानी खेजड़ी है, यानी ऐसे वृक्ष जिनमें कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। मुस्तले वनों में ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, और इसमें पेड़ पौधे के पत्ते मोटे होते हैं, गुदेदार होते हैं, छाल पे पेड़ पौधे की जो तना उसमें अति मोटी छाल होती है, तो वास्प उनकी क्रिया या वास्प की क्रिया कम हो सके, इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा का कम होने के कारण इन पेड़ पौधे की जड़ें काफ़ी गहरी होती है और मोटी होती है। इनसे जो जल आपूर्ति है जड़ों द्वारा, भूमि जल की आपूर्ति द्वारा ये पेड़ पौधे बने रहते हैं। इसके अलावा ये वृक्ष जो ज़्यादा राजस्थान में जो पश्चिमी थारगाम स्थल है वो क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तरी गुजरात है, पंजाब का दक्षिणी भाग है, और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। इसमें राजस्थान का ये ज़्यादातर राजस्थान के पश्चिमी जो मैदानी भाग, जो मस्तली भाग है, उसमें जैसे मेरवाड़ में, जोधपुर जो जिले हैं उनमें अधिकतर ये कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं जो मस्तली वनों में शामिल होते हैं। इसके अलावा पाँचवा है ज्वारी वनस्पति। ज्वारी वनस्पति यानी जहाँ पे ज्वार सागरी तटीय क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा आता हो, या ऐसे प्रदेश जहाँ पर सागर तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर नदी बेसिन है, गोदावरी घाटियाँ हैं, वहाँ पर जो नमकीन वहाँ के जो पानी में खारे पानी मात्रा होने के कारण वहाँ की मिट्टी भी कुछ सारी होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में सर्वाधिक जो वृक्ष होते हैं वो नारियल वगैरह है, बांस वगैरह है, या मैग्रोव वनस्पति अधिक पाई जाती है। ज्वारी क्षेत्रों में ज्वारी बात करें तो मैग्रोव वनस्पति नारियल है, ताड़ है, खजूर है, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में तटवर्ती गुजरात के जो तटीय भाग है वो है, केरला है, कर्नाटक का जो क्षेत्र तटीय भाग है वो है, इसके अलावा पश्चिमी जो पूरी घाट का प्रदेश है, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा राज्य में, वेस्ट बंगाल में, या ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी जो मिलती है, उसका डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा जहाँ सर्वाधिक मात्रा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे या मैग्रोवन की अधिकतर ज़्यादा है, इस कारण सुंदरवन का डेल्टा नाम से जानते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसके अलावा जो नीचे जो तटवर्ती जो गोदावरी मुहाना है, कसना का मुहाना है, और कावेरी का मुहाना, वहाँ भी ये ज्वारी वन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला है आपका आर्द्र उपोष्णकटिबंध पहाड़ी वन। आर्द्र उपोषण पहाड़ी वन, ये वन सर्वाधिक मात्रा में दक्षिणी भारत में जहाँ पर नीलगिरी या पश्चिमी घाट पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जहाँ पर इसकी 1070 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं।
आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन, यानी पश्चिमी घाट जो भारत का पश्चिम प्रदेश है या दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, उस पहाड़ी ढाल पर 170 मीटर से ऊंचाई और 15 मीटर से 15 मीटर नीचे वाले जो भाग है वहाँ पर अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उस पहाड़ ऊंचाई वाले भाग पर ये वन पाए जाते हैं, जहाँ पर आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन होते हैं। इसमें अधिकतर सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है यहाँ के वनों की लकड़ी सदाबहार या मुलायम लकड़ी होती है। ये आसाम टीक वगैरह है जो फर्नीचर उद्योग के लिए काम में अधिक आती है। और इसके लास्ट में आता है एक आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन, ये भी दक्षिण भारत में जहाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट पर जो 1500 मीटर ऊंचाई से अधिक वाला जो क्षेत्र है, इससे अधिक ऊंचाई वाले जो भूभाग है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, जो आर्द्र शीतोष्ण यहाँ के जलवायु शीतोष्ण है, मतलब यहाँ पर तापमान थोड़ा कम है, निचले भाग में तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि ऊंचाई पर तापमान में उतना तो कमी आती है, इसलिए जो पहाड़ी भाग है निचले भाग अधिक गर्म होते हैं, उससे ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, इसलिए यहाँ पर कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। इन वनों की ऊंचाई भी कम होती है, इन वनों की ऊंचाई लगभग 6 से 9 मीटर होती है, और ये भी यहाँ भी ज़्यादा शंकुधारी या ठंडे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के जो आकार भी शंकुनुमा या ऊपर से नुकीला होता है, और ये भी मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। इस प्रकार वनों का वितरण ये था, और इस बारे में आगे बढ़ते हुए अपन वनों के बारे में मैंने बताया आपको कि वनों को लाभ क्या है, वन किस काम में आते हैं, वन के भारत की जलवायु के लिए मृदा के बारे में किस किस का उपयोग किस प्रकार से उपयोगिता करते हैं। इसमें पहली बात तो ये थी कि इसमें वन द्वारा मिट्टी को बांध के रखते हैं, इसलिए उसका अपरदन नहीं होता है, मृदा सुरक्षित रहती है। और दूसरी बात है इसके द्वारा वायु जलवायु सम बनी रहती है, इसलिए उसमें आर्द्रता बनी रहती है, वर्षा की ओर आकर्षित करते हैं। और तीसरी है इसमें वनों से पैदा के कई बार जड़ी बूटियां हैं या उससे पैदा के कई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग वगैरह है जो जिसमें रेशम है, रेशम उद्योग है, या इसके अलावा लाकत्था उद्योग है उसमें इसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा फर्नीचर उद्योग में काम लिया जाता है। आगे मैंने पहले इस बारे में काफ़ी बता दिया आपको, आगे इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हुए हम अगले क्लास में वनों के बारे में कुछ प्रत्यक्ष अपने लाभ के बारे में जानकारी देंगे। ओके।